हाय गाइस, नया वर्जन आया है अनरियल का। तो अनरियल का हम लोग ने आप अपडेट किया है 5.3.0। ये नया अपडेट किया तो हमने नया अपडेट करके यहाँ पर लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने में क्या एक विंडो खुल के आएगा। देखो यहाँ पर अलग अलग है, हर एक में आपके यहाँ एक प्रॉपर्टी दिखेगा 5.1.1, 5.2.1, 5.3.0। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मुझे क्या देखना है कि भाई मैंने लेटेस्ट मैंने अपडेट किया तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये धीमे धीरे ओपन होगा। यहाँ पर देखो लोडिंग हो रहा है, फाइनली ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गेम के अंदर देख रहे तो गेम के अंदर मैंने अभी फर्स्ट पर्सन वाला ले लिया। ठीक है, डबल क्लिक किया पे, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्रिएट कर दोगे प्रोजेक्ट में। ये पाथ कहाँ है मेरे पास, डी में पाथ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, तो आपका ये प्रोजेक्ट जब ओपन होगा देखो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे नीचे डिटेल दे रहा है कि भाई यहाँ पे क्या काम करना है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास क्या आउटलाइनर एंड डिटेल हम लोगों ने पहले कई चीज़ों में देख रखा है, लेकिन थोड़ा सा आप उसे आराम से डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे पास चीज़ें क्या है और किस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं। आउटलाइनर का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। जो कि आप देखिए फर्स्ट पर्सन टेम्पलेट दिख रहा है ये आउटलाइनर है। आउटलाइनर का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ है मेरे पास लिस्ट में, जो मेरे सीन का जो भी ऑब्जेक्ट है, एक्टर है, ये कुछ भी लाइट एनवायरमेंट वो सब कुछ कहाँ मिलेगा, आउटलाइनर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं आउटलाइनर में यहाँ पे क्या गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। देखिए आउटलाइनर पैनल है, आउटलाइनर पैनल में क्या डिस्प्ले करता है, हायरार्कल व्यू में। ठीक है, ऑफ ऑल कंटेंट इन योर लेवल, बाय डिफॉल्ट देखोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेटेड होगी यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बता रहेगा कि भाई लोकेटेड है कहाँ पे, अपर राइट कॉर्नर पे। तो अपर राइट कॉर्नर में ये चीज़ लोकेटेड मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या कहें, यू कैन हैव 2-4 डिफरेंट आउटलाइनर। ठीक है, ईच विथ इट्स ओन कॉलम लेआउट एंड फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ मिलने वाली, तो उसको मैं एक बार क्रॉस चेक करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी देखो आउटलाइनर है, तो आउटलाइनर में देखो ये आपका फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के यहाँ पे फोल्डर्स मिलेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप देखो यहाँ पे सबका नाम मैनेज करके दे रखा। तो ये सीन हमने ओपन किया जिसके अंदर सब कुछ यहाँ पे बाई डिफॉल्ट गिवन है। ये देखो यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे आप देखोगे इस पर क्लिक करोगे तो ये आँखें हैं इसके। ठीक है, ये देखें वो गायब हो गया यहाँ पे, इस पर क्लिक किया ये आइज़ है, ऑन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या लाइटिंग पे चलता हूँ, लाइटिंग पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे लाइट को ऑफ किया, लाइट का स्विच ऑन एंड ऑफ यहाँ से मैंने कर दिया तो गायब। ठीक है, यहाँ पे क्या प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड को मैंने ऑन एंड ऑफ किया तो ये गायब हो गया यहाँ पे। ओके, अभी इसके अंदर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेलेक्ट किया यहाँ पे एक फोल्डर है क्रिएट फोल्डर, तो आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपने फोल्डर क्रिएट कर दिया तो आप यहाँ पे देखो आप क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने पे आप यहाँ पे जैसे मैंने नाम दे दिया कि ABC। ठीक है, ABC मैंने नाम दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो इसके अंदर पार्ट आ गया, इसके अंदर मैंने ऑन एंड ऑफ कर दिया। तो आपको ये आइडिया मिलना चाहिए भाई मैं कोई भी चीज़ को अगर मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ तो मैं चीज़ों को ऑन एंड ऑफ कैसे कर सकता हूँ, ये सबको एक ही फोल्डर के अंदर मेंटेन कर रखें तो कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ABC में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉकिंग है, ब्लॉक को ऐसे अलग अलग करके हम लोग मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है वो है आउटलाइनर का, आउटलाइनर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्विच करते हैं आउटलाइनर, आउटलाइनर के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर देखें तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं देखो तो यहाँ पे देखो वैसे आउटलाइनर का दे रखा है कि भाई आई है, आई बटन ऑन एंड ऑफ करोगे यहाँ पे। ठीक है, मूव एंड डिलीट कंटेंट फोल्डर सब कुछ दे रखा है, वो हमने देखा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिटेल पैनल। डिटेल पैनल क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा उसके बारे में पूरा डिटेल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दे रखा बाय डिफॉल्ट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अनरियल, राइट साइड में ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर मेंशन किया है कि व्हेन यू सिलेक्ट एन एक्टर, ठीक है, इन द लेवल रिपोर्ट द डिटेल्स पैनल विल शो द सेटिंग एंड प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द एक्टर यू सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँगा भाई मेरे पास अगर मैं कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करूँ, सेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ उसके बारे में डिटेल कहाँ मिलने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं उसके क्या ये क्यूब है। ठीक है, ब्लॉक दिख रहा है, क्यूब है, ये बगल में डिटेल है। अब डिटेल में यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो लोकेशन है तो लोकेशन के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रोटेशन है, ये हमने पहले भी देख रखा है, आपको आइडिया मिलेगा। स्केलिंग है, स्केलिंग में बढ़ा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ के उसके बारे में डिटेल सब कुछ यहाँ पे दी है भाई, स्टैटिक मैस है। ठीक है, मटेरियल्स कौन सा है तो मटेरियल्स यहाँ पे दे रखा है, देख रहे भाई मटेरियल से, मटेरियल्स में आप देखो ना अलग अलग मटेरियल में मटेरियल चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, मटेरियल्स है। ठीक है, सिमुलेशन है, फिजिक्स है, इसके साथ आप मैनेज करोगे ये आपका काम करेगा, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, डिटेल के अंदर। इसमें आपका रेंडरिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, तो धीमे धीमे एक चीज़ देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई पाथ ट्रेसिंग भी है, नेविगेशन भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल आपको लेना हो तो
आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एंड बगल में डिटेल में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगा, फिर आप उसको एडजस्ट करके मैनेज करके देख सकते हो। तो जैसे हमने अभी क्या देखा, एक ओवरव्यू देखा कि हम लोग एक जो अनरियल के सीन में आउटलाइनर का वर्क क्या है एंड डिटेल का वर्क क्या है।